तो गाइस स्वागत है आप सभी का रसलमेनिया 39 के लास्ट वीडियो में। ये हमारा जस्ट रसलमेनिया से पहले लास्ट वीडियो है, जिसमें हम सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे और सोचेंगे, प्रेडिक्शन रहेंगे कि कौन जीतेगा भाई, कौन जीतेगा, किसके अगेंस्ट जीतेगा, ये सब बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रसलमेनिया 39 हॉलीवुड, भाई बहुत सारे मैचेस है, 2 नाइट्स का शो है, मज़ा आने वाला है भाई कसम से। और 3 मैचेस मुझे पता है कि कब होने वाले हैं। नंबर 1 मैच डे 1 का ही होने वाला है। नंबर 1 मैच होने वाला है जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थियरी फॉर US टाइटल। तो ये हमारा फर्स्ट मैच है, ये फिक्स है डे 1 का, ये अनाउंस हो चुका है कि डे 1 के पहला मैच यही है। और बहुत सारे मैचेस है जो मैं आपको बाद बाद में बताऊँगा। उसके बाद भाई जॉन सीना वर्सेस थियरी अपना हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं उसोस के बारे में, द उसोस वर्सेस केविन ओवंस एंड सैमी जेन। तो भाई सबसे पहले मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि जॉन सीना और थियरी में कौन जीतेगा। जॉन सीना और थियरी में 80% चांस है कि जॉन सीना जीतेंगे, क्योंकि भाई जॉन सीना लेजेंड है रेसलमेनिया में। वो मतलब बोलते हैं ना, एक ड्रीम कम ट्रू है भाई, इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद रेसलमेनिया में वो वापस आ रहे हैं मैच देने, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। और थियरी पता नहीं इतना क्यों इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं सीना के बारे में, अबे अपना औकात देख ले भाई, छोड़ो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं कहूँगा जॉन सीना जीतने वाले, ठीक है, इस मैच में। तो नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, उसोस वर्सेस सैमी जेन एंड KO। इस मैच में भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, यानी कि स्टोरी बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि उसोस जीतेगी, ये तो पक्का ही है, मुझे लगता है उसोस ही जीतने वाली है। पर स्टोरी क्या होगी पता है, स्टोरी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि सैमी जेन केविन ओवंस को धोखा दे देगा और वापस ब्लड लाइन ज्वाइन कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, आप कभी श्योर नहीं रहते हो इस बारे में। तो मेरे हिसाब से भाई उसोस जीत रहे, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये डे 1 में होने वाला है, लगता है मुझे, पक्का नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो उसोस वर्सेस सैमी जेन और KO हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल के बारे में। तो भाई इनका मैच बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब मैच है, यानी कि राइवलरी रॉयल रंबल से चालू हुआ और चालू होते होते अरसा महीने तक पहुँच गया, और रूमर्स है कि इनका मैच समर स्लैम में भी होने वाला है एक और बार। तो भाई मेरे हिसाब से इस मैच में ज़्यादा चांसेस जीतने के हैं सेथ रॉलिंस के, क्योंकि पिछले साल भी कोडी रोड से टर्न आ गए थे और सेथ को हराया गया था 3 बार। तो मेरे हिसाब से इस साल सेथ रॉलिंस लोगन पॉल को हरा के जीत लेंगे। पर इस मैच में आपको बहुत सारे OMG मूवमेंट्स देखने मिल सकते हैं, यानी कि कोई भी कहाँ से भी कूद रहा है, ऐसा कुछ देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस हमारे इस मैच के विनर है। तो हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही खतरनाक मैच हेल इन अ सेल के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई फिन बैलर नहीं, द डीमन किंग आने वाले, मां कसम भाई, रोमन के बाद डीमन किंग गायब हो गए थे, फाइनली आ रही है जजमेंट डे के फिन बैलर से उठकर। जब सोचो भाई, अगर ब्रूड एज वर्सेस तो डीमन किंग फिन बैलर अगर हेल इन अ सेल के अंदर हुआ, मां कसम इस मैच में ना फाड़ मजा है भाई, फाड़ मजा, आप बोल नहीं सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि फिन बैलर जब डीमन बन के आते तो कभी नहीं हारते, बस रोमन ने हरा दिया था एक बार। और एज भी अपने जब वो मूड में चले जाते हैं तो एज से खतरनाक मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं है भाई। तो इनका मैच भी बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इनका मैं यही नहीं कह सकता कि कौन सी जाएगा, 50-50 चांसेस है, एक तो हेल इन अ सेल के अंदर है, और अगर डीमन बैनर बन के आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि जजमेंट डे की कोई ज़रूरत बनेगी। तो भाई मैं जाता हूँ एज के साथ, क्योंकि 50-50 चांस है वैसे तो, पर मैं एज, क्योंकि रेसलमेनिया बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, तो हम एज के ऊपर वोट देंगे, ठीक है, एज जीतेंगे। और अगर आपको कोई और लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मैच में तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, वो है ट्रिपल थ्रेट मैच, और वो है गंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस शेमस। अब ये भी एक ऐसा मैच है कि आप नहीं बोल सकते कौन जीतेगा, क्योंकि शेमस और ड्रू मैकइंटायर टैग टीम मैच है, और गंथर का जो रेन है बहुत ही सुप्रीम रेन है इन रिंग जनरल, एक नंबर, मतलब बोलते हैं ना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखे रखा है, मज़ा आ रहा है भाई। गंथर रॉयल रंबल, मतलब रंबल में नंबर 1 में आके नंबर 30 तक रहना मजाक नहीं होता, एक रिकॉर्ड सेट किया है उन्होंने। तो भाई मेरे हिसाब से इस मैच में गंथर जीत जाएंगे, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर और शेमस टैग टीम है, बाद में उनका लड़ाई कर करके बोलते हैं ना गंथर एडवांटेज ले लेगा, और गंथर के पास उनका इम्प्रीमियम जो है पूरा, उनका टीम भी है उनके पास मदद करने के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से गंथर,
आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे लगता है कि स्टेमोस और ड्रू मैकइंटायर का भी नया राइवलरी शुरू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फेटल फोर वे वुमेन्स का टैग टीम मैच। अभी ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि नए नए टीम्स हमें देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूँ तो लिव मॉर्गन और रॉकेल की टीम जो है वो एक बोलते हैं ना जायंट और क्रूजर की टीम है, तो थोड़ा सा वो सरप्राइजिंग रह सकता है। यानी कि लिव रकेल के ऊपर चढ़ चढ़ के कूदेगी, जिसके बाद नेटालिया और शॉर्टजी का टीम भी बहुत ही बोलते हैं ना मतलब अलग टीम है, मतलब वो लोग का कुछ इतना हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद शेना बेजर रोंडा रोजी का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, तो मुझे लगता है उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस है। और सोनिया डेविल और चेल्सी ग्रीन, ये इनका स्क्वाड है। तो मेरे हिसाब से इस मैच से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मतलब बोलते हैं ना ये मतलब मिड कार्ड मैच रहने वाला है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस मैच में जो विनर रहने वाला है रोंडा राउजी और शेना बेसलर। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाला है टीम बेकी लिंच वर्सेस टीम डैमेज कंट्रोल। यानी कि टीम बेकी लिंच में आती है लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस, और वहाँ पे आती है यो स्काई और डकोटा काय और बेली, यहाँ पे बेकी लिंच। तो इस मैच में आपको तो पता ही है 90% चांस है कि ट्रिश स्ट्रैटस, लीटा और बेकी लिंच जीतेगी। 10% रखो क्योंकि इनका कुछ नहीं पता भाई। जैसे मैं कहता हूँ WWE इज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। 90% मेरा तो भाई विनर यही है कि टीम बेकी लिंच। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और गेमिंग वीडियोस देखिए भाई। रसलमीनिया 39 का मैंने सारे मैचेस, ये जो मैचेस मैं कह रहा हूँ सारे मैचेस मैंने 2 बार खेले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। 2 घंटे का पूरा मिल जाएगा आपको कंटेंट। तो आगे बढ़ते हैं, और ये मैच अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है पर मैं आपको ऐड कर देता हूँ इसमें, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रे वाइट। अभी ये मैच अजीबोगरीब मैच होगा क्योंकि भाई बॉबी लैशली है एक ऑल माइटी टाइटन है, यानी कि बोलते हैं ना पेल पाल सुपरस्टार है, और ब्रे वाइट पता नहीं अपने दुनिया में रहता है। तो ये मैच मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। और अगर डिसाइड हो गया है तो मैं ब्रे वाइट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ब्रे वाइट अभी अभी रिटर्न आए थे एक्सट्रीम रूल्स में। अभी तक सिर्फ एक ही मैच हुआ उनका एलियन हार्ट के साथ, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब मैच था, अंकल हाउडी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मैं जाऊंगा ब्रे वाइट के साथ, ये मैच को हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाला है रॉ वेमेंस चैंपियनशिप के लिए, आस्का वर्सेस बियांका बेलेयर। ये मैच भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि फैंस को बहुत दिनों से मतलब बोलते हैं ना ये मैच देखना था, आस्का वर्सेस बियांका बेलेयर, और फाइनली वो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 39 पर, वो भी एक बेल्ट के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से 60-40 चांस है, 60 चांस है बियांका का, 40 है आस्का का। मैं बियांका क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बोलते हैं ना आस्का का वैसा स्टोरी दिख नहीं रहा कि मतलब बोलते हैं ना चैंपियन बनेगी। बियांका एक फैन फेवरेट सुपरस्टार है, आस्का भी है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ मुझे लगता है कि बियांका रिटेन कर लेगी लास्ट ईयर की तरह बेकी लिंच के अगेंस्ट रिटेन किया था, इस साल आस्का के अगेंस्ट करेगी। तो हम हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेटा वर्सेस बाप, सन वर्सेस फादर, यानी कि डोमिनिक मिस्टेरियो बेटा वर्सेस उनके बाप री मिस्टेरियो। ये मैच बड़ा ही मतलब बोलते हैं ना अजीबोगरीब मैच है। मुझे पता है, सबको पता है कि री मिस्टेरियो जीतने वाले ये मैच में, एक सबक सिखाया गया अपने बेटे को वो भी ऑन टीवी। तो ये मतलब इंटरेस्टिंग मैच है, ठीक है, री मिस्टेरियो ऑब्वियसली जीतने वाले। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिया रिपली वर्सेस शार्लेट। रिया रिपली 2023 की रॉयल रंबल विनर है, और 80% चांस है कि रिया रिपली ही इस मैच को जीतेगी, क्योंकि रिया रिपली का एक बहुत ही बड़ा मतलब ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना पुश मिल रहा है रिया रिपली को, एक डोमिनेटिंग सुपरस्टार दिखा रही है लोग, ये लोग तो उम्मीद करते हैं कि रिया रिपली इस मैच में जीत जाएंगी और फर्स्ट टाइम स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन भी बन जाएंगी शार्लेट के हरा कर। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जाइंट वर्सेस जाइंट, यानी कि द बीस्ट इन कॉर्नेट वर्सेस द नाइजेरियन जाइंट ओमास। और ये मैच में भाई 80% चांस है कि भाई ब्रॉक लेसनर ही जीतेंगे, 20% में ओमास इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MVP भी साथ में है, ठीक है। पर भाई रेसलमेनिया का इवेंट है यार, ब्रॉक लेसनर हो और वो भी ना जीते तो मतलब नहीं है, तो ब्रॉक लेसनर पकड़ के चलो, ठीक है। तो भाई लास्ट मैच, फाइनल मैच से पहले एक और मैच बाकी है जो कि है अपना फैटल फोर वे मेंस टैग टीम मैच। और आपको पता ही है ये मैच इंटरेस्टिंग मतलब बोलते हैं ना फैंस एंटरटेनिंग मैच है, क्योंकि वाइकिंग रेडर्स, अल्फा एकेडमी, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशे है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक जायंट और एक बोलते हैं ना क्रूजर वेट है। तो ये मैच भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है, और मुझे लगता है कि इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाएगी क्योंकि वो फैंस फेवरेट फैंस मतलब बोलते हैं ना एक एंटरटेन करेगी मैच में।
तो देखते भाई, मुझे मेरे हिसाब से स्ट्रेट प्रॉफिट्स, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो भाई अब बढ़ते हैं लास्ट मैच, रसलमेनिया 39 हॉलीवुड का मेन मैच, रोमन रेंस सुप्रीम ब्लड लाइन के लीडर, द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ, गॉड मोड एक्टिवेट करने वाले हैं और उनका ओपोनेंट रहने वाले हैं रॉयल रंबल 2023 के विनर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। ये मैच माँ कसम इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज तक बोलते हैं ना, मतलब स्टारडस्ट वर्सेस शील्ड यानी कि बिग डॉग के रोमन से उनका राइवलरी शुरू है और फाइनली रसलमेनिया में खत्म होगा। लास्ट ईयर रसलमेनिया में कोडी रिटर्न आए थे और तबाही मचा दिया था भाई, मतलब मैचेस में मैचेस सेट के साथ एक नंबर राइवलरी था। अपने हेल इन अ सेल में आपने देखा होगा उनका टोर मसल डिफेक्ट, मतलब बोलते हैं ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था वो पूरे जनरेशन में। तो मेरे हिसाब से रोमन और कोडी मैच 5-स्टार मैच रहने वाला है और इसे देखना मत भूलिएगा। ये तो भाई अपना नाइट 2 का मेन इवेंट है, ये तो फिक्स ही है। तो आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करो। और इनका मैं कहूँ क्या चांस है, मुझे लगता है 70-30 चांस है। 70 चांस है भाई द हेड ऑफ द टेबल रोमन का, 70% चांस है कि वो रिटेन कर लेंगे और 30% चांस है कि कोडी रोड्स भी जीत सकते हैं। भाई कोडी को भी कम मत समझना, कुछ भी हो सकता है। रोमन के पास पूरा ब्लड लाइन है और सोलो सिकोवा भी, बहुत लोग कह रहे कि सोलो धोखा दे सकता है, मुझे तो नहीं लगता भाई ब्लड लाइन कभी रोमन को ऐसे टाइम में धोखा देगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि रोमन जीत जाएंगे फिर रॉक रिटर्न आएंगे, ये पकड़ के चलो भाई रॉक रिटर्न आ सकते हैं मेन इवेंट में। और ये मेरे पीछे से ट्रेन जा रहा है, इसे इग्नोर करना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रॉक द रॉक आ सकते हैं रोमन के जीतने के बाद, ऐसा न्यूज़ नहीं आया, मैं अपना प्रिडिक्शन कह रहा हूँ क्योंकि हॉलीवुड है भाई द रॉक आ सकते। तो मेरा प्रिडिक्शन है इसमें रोमन रिंग सुप्रीम होकर वापस रिटेन कर लेंगे और अपना फर्स्ट टाइम कोई सुपरस्टार बैक टू बैक 3 रसलमेनिया में कोई वर्ल्ड चैंपियन डिफेंड कर रहा है, फर्स्ट 7th टाइम मेन इवेंट कर रहा है, मतलब ये पढ़ लो भाई 7th टाइम एक सुपरस्टार मेन इवेंट कर रहा है वो भी रसलमेनिया में, और 3rd इन अ रो रसलमेनिया मेन इवेंट पे वर्ल्ड चैंपियन डिफेंड भी कर रहा है। इससे बड़ा मुझे नहीं पता क्या अचीवमेंट होगा किसी भी सुपरस्टार के लिए भाई। रोमन रिंग्स है, ठीक है। तो मैंने अपना सारे प्रेडिक्शन बता दिया गाइस, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे अगर वीडियो गेम्स के वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी भाई, एक एक करके अपना खाना वगैरह लेके बैठ जाओ और देखते रहो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं रसलमेनिया में, मज़ा आने वाला है माँ कसम, एक दिन सिर्फ बाकी है यार, 24 घंटे भी नहीं है रसलमेनिया के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। अपने हेडफोन्स पहन लेना, मज़े से देखना, सुबह 5:30 बजे उठ के देखो भाई, लाइव देखने का अलग ही मज़ा है। रात भर जागो चलेगा पर 2 दिन आप जा ही सकते हो यार। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको मेरे प्रेडिक्शन अच्छे लगे होंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।